दोस्तों, आज हम बात करने वाले अघोरी साधुओं के बारे में। कहा जाता है कि अघोरी साधु बहुत ही रहस्यमय तरीके से अपना जीवन निभाते हैं। अघोरी साधु भगवान शिव के परम भक्त होते हैं, वो उन्हीं को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। अघोरी साधु बहुत ही कम मौकों पर लोगों के बीच में आते हैं। अघोरी साधु दुनिया के सारे सांसारिक सुखों को ईश्वर से मिलने के लिए त्याग देते हैं और मानते हैं कि बिना वस्त्रों के रहना ईश्वर को पाने का एक जरिया है। दोस्तों, बात करें उनके भोजन की, अघोरी गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का सेवन करते हैं, यहाँ तक कि वे किसी भी मृत शरीर को भी भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। वे सड़ते हुए पशु का मांस भी बिना हिचकिचाहट के खा लेते हैं, यहाँ तक कि वे अपना पेशाब पीने में भी कोई शर्म नहीं रखते। कहा जाता है कि अघोरी बहुत ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर वे किसी पर मेहरबान हो जाए तो सामने वाले की किस्मत बदल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान उन्हें अच्छा लग जाए तो वे उसे अपनी तंत्र क्रियाएं भी सिखाने को राजी हो जाते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अघोरियों की साधना में इतना बल होता है कि वे मुर्दों से भी बात कर सकते हैं। शायद ये कारण है उनका शमशानों में अपनी कुटिया बनाने का। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक है जो परिशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं शमशान में होती है और दुनिया में सिर्फ 4 शमशान घाट ही ऐसे हैं जहाँ तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत ही जल्द मिलता है। दोस्तों, आपके क्या विचार है अघोरी साधुओं के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मोर फैक्ट जानने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो।